सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास खबरां ते। उत्तराखंड च सोमवार नूं कोरोना करफ्यू नूं 1 जून तक वधाउण दा फैसला लिया गया। मंगलवार 25 मई दी सवेरे 6 बजे करफ्यू दी मियाद खत्म हो गई सी। प्रदेश दे कैबिनेट मंत्री अते सूबा सरकार दे बुलारे सुबोध उनियाल ने दस्सिया कि इस दौरान जरूरी समान जिवें कि दुध, मीट, मच्छी, फल अते सब्जी दीआं दुकानां सवेरे 8 बजे तों 11 बजे तक खुल्लणगीआं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार नाल गलबात की, जिस दौरान केजरीवाल ने दस्से कि असीं जदों फाइजर अते मॉडर्ना वर्गियां कंपनी नाल दिल्ली नूं वैक्सीन दी विक्री दी गल की तां उन्होंने इनकार कर दिता। केजरीवाल का दावा है कि कंपनियां ने दिल्ली नूं दो टुक जवाब दिता है कि वह सिर्फ ते सिर्फ भारत सरकार नाल ही सौदा करनगियां। अजिहे च केजरीवाल ने केंद्र सरकार नूं अपील की है कि वह जल्द तो जल्द वैक्सीन का आयात करे ते सूबियां नूं उपलब्ध करवाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने सरकार ने चीन तो 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर आयात किया है जिन्होंने 3 डिपो में रखा जाएगा। इन सिलेंडर कोरोना वायरस की तीजी लहर की स्थिति में इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि फाइजर और मॉडर्ना ने कोरोना वायरस के टीके सीधे दिल्ली सरकार को बेचने से मना किया है। उन्हें कहा है कि 18 से 40 साल के उम्र वर्ग के लोगों लिए 450 टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए गए हैं। उत्थे ही 45 साल तो वध उम्र के लोगों सेहत कामियां ते फ्रंटलाइन ते काम करने वाले लोगों लिए कोवैक्सीन के केंद्रों भी टीके की घाट कारण बंद किया गया। ब्लैक फंगस नूं लैके जम्मू कश्मीर सरकार ने वड्डा फैसला किया। सरकार ने ब्लैक फंगस नूं महामारी ऐलान दिता। इस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के सेहत और मैडिकल सिक्ख्या महकमे ने महामारी एक्ट 1897 तहत नोटिफिकेशन जारी की है। इस तो कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने सारे सूबे नूं अते केंद्र शासित प्रदेशों नूं ब्लैक फंगस नूं नोटिफाइड बीमारी ऐलान करन दा निर्देश दिता सी। कोरोना महामारी दरमियान ब्लैक फंगस अते वाइट फंगस तो बाद हुण येलो फंगस ने भी दस्तक दे दिती है। दस्सदी है कि कोरोना तो ठीक होण वाले मरीजां नूं इसका खतरा वधेरे है। येलो फंगस नूं ब्लैक अते वाइट फंगस तो भी ज़्यादा खतरनाक मनिया जा रहा है। इस नूं मुकोर सेप्टिक्स का नाम दिता गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद च ब्लैक फंगस और वाइट फंगस तो बाद येलो फंगस का एक मामला सामने आया जिसे दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी ने कोरोना रोकू टीकाकरण मुहिम च कथित तौर पर घाट आने लेकर सोमवार को चिंता जताई है। दोष लगाया कि केंद्र सरकार को टीकाकरण की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने रोजाना होने वाले टीकाकरण की गिनती च गिरावट का ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट किया। टीकाकरण महामारी उत्ते कंट्रोल करन दी कुंजी है पर अजिहा लगता है कि सरकार इसकी परवाह नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद हौली है, इस विच तेजी लैंदी जानी चाहिए है ता जो उन्होंने कोरोना महामारी दरमियान योजनावां दा लाभ दिता जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की सहूलत उत्ते जोर दिंदे कहा कि योजनावां दा लाभ उन्होंने उदों मिल सकता है जदों अधिकारी उन्होंने पहचान करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन करे। अमृतसर के मैडिकल कॉलेज में कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी, अमृतसर के सिविल सर्जन चरणजीत सिंह, डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खहरा, पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह गिल वालों एक अहम मीटिंग की गई, जिस विच मीडिया नाल गलबात करदे कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी ने कहा कि सेहत विभाग के जिला प्रशासन को लेकर कोरोना महामारी संबंधी मीटिंग की गई है क्योंकि पिछले लगातार कोरोना के केसों में वाधा देखने को मिला है। मौतों का अंकड़ा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है पर हुण सेहत विभाग वालों इस उत्ते काफ़ी हद तक काबू पाया गया। BBMB वर्कशाप में दहाके तो बाद समय तो बंद पाए ऑक्सीजन प्लांट को कार्यशील करके ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू करने लिए BBMB के अधिकारी, तकनीकी माहर और भारती फौज वालों दिन रात यत्न किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट को मुड़ चलाने के किए जा रहे यत्नों की सफलता में कुछ थोड़ी अड़चन आने कारण अज हालात की गंभीरता को देखते हुए संसद मैंबर मनीष तिवाड़ी और पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा KP सिंह ने प्लांट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हफ्ते के अंदर अंदर इसके चालू होने की उम्मीद है। चंडीगढ़ विखे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता वालों कोरोना महामारी को रोकने लिए हरियाणा विधानसभा में टीकाकरण कैंप का उद्घाटन किया गया। इस मौके प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा कंपलैक्स में कोरोना रोको कैंप 3-4 दिन चलेगा तो एक दिन में विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के 150 परिवारिक मैंबरों का टीकाकरण किया जाएगा। हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज ने प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा है कि आशा वर्करा ने हरियाणा के 13 लाख लोगों के घरों में सर्वेक्षण किया। उन्होंने कहा कि 16,000 लोगों में खंघ जुकाम के लक्षण पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार वालों कोरोना को रोकने लिए वड्डे कदम चुके जा रहे हैं। विज ने भी दसा है कि हरियाणा में नॉन ऑक्सीजन बैडों की गिनती 9837 है जिन्हों में सिर्फ 681 बैड भरे हुए हैं जबकि 13,256 बैड अजे खाली ने।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਡਿਪੂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਈ। हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमारे डीजी साहब ने सभी मतलब डिपो के अंदर लेटर जारी किया था सभी महाप्रबंधकों को कि कोविड वैक्सीन सभी कर्मचारियों को लगवानी है, क्योंकि रोडवेज का कर्मचारी हर समय फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम करता है। पहले चाहे वो सवारियां जैसे मजदूर थे वो बिहार यूपी वगैरह भेजने थे उसमें, या अब सेकेंड वेव के अंदर भी रोडवेज की 50% बसें चल रही है, सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी ऑक्सीजन प्लांट में भी काम कर रहे हैं, कर्मचारी डीसी ऑफिस में भी काम कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के जिला प्रधान और सबका विधायक सुरेंद्र सिंह भुल्लेवाल राठा ने सिविल हस्पताल गढ़शंकर का दौरा करके कोरोना वैक्सीन के बंद पाए ब्लड बैंक संबंधी लोगों को पेश आ रही मुश्किलों बारे एसएमओ गढ़शंकर चरणजीत पाल नाल गलबात करके इन्हां समस्यावां नूं जल्द हल करवाउण लई कहा। इस मौके पत्रकार नाल गलबात करदिआं सुरेंद्र सिंह भुल्लेवाल राठा ने कहा कि एक पासे तां सूबा सरकार वल्लों कोरोना नाल निजिठण लई वड्डे वड्डे दावे कीते जा रहे हैं ते लोगों नूं कोरोना तों बचा लई कोरोना वैक्सीन लवाउण लई जागरूक किया जा रहा है, तो दूजे पासे सिविल हस्पताल गढ़शंकर च करीब एक हफ्ते तो कोरोना वैक्सीन न होने कारण लोगों को खज्जल होना पै रहा है। श्री मुक्तसर साहब विखे श्रोमणी अकाली दल ने कोरोना मरीजों की विशेष सेवावान शुरू कर दी ने। इस तहत जिथे कोरोना मरीजों लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का प्रबंध किया गया उत्थे घर एकांतवास कोरोना मरीजों उन्होंने वारसा लिए घर घर खाना पहुंचाने की सेवा शुरू कर दी गई है। श्रोमणी अकाली दल की श्री मुक्तसर साहब इकाई वालों अज हलका विधायक अमरजीत सिंह रोजी बरकंदी की अगवाई विशेष सेवावान की शुरुआत कोरोना मरीजों लिए की गई। कोरोना वायरस के बढ़ रहे केसों उत्ते गहरी चिंता प्रगट करते हैं सिविल सर्जन फतेहगढ़ साहब ने जिला निवासियों को अपील की है कि वध तो वध गिणती में वैक्सीन करवाई जाए तां जो लोग इस बीमारी तो बच सकन। उन्हें कहा कि भीड़भाड़ वाली थावां उत्ते मास्क की वरतों जरूर की जाए। आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायक और किसान विंग पंजाब के प्रधान कुलतार सिंह संधवा और सीनियर आगू मनविंदर सिंह गैसपुरा ने कहा है कि सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों खोले गए कोविड सेंटरों का सेहरा अपने सिर सजाने का टोंगरा च रहा है और लोगों के पैसे से गुरु की गोलक का सियासी लहा लैण की कोशिश कर रहा है। उन्हें कहा कि बादल दल के आगू सुखबीर सिंह बादल ने कोरोना पीड़ितों के इलाज लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बनाए जा रहे कोविड केयर सेंटर की वरतों अपने राजसी हितों लिए करनी शुरू कर दी है। पंजाब के खुराक ते सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने बयान दिता। उन्हें कहा कि पंजाब सरकार वालों सूबे में कौमी खुराक सुरक्षा एक्ट 2013 अधीन रजिस्टर्ड लाभपात्रियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत अधीन वाधू तौर उत्ते अनाज वंड का कार्य राज विच कणक दे सीजन मुकम्मल होने उपरंत 16 मई 2021 में शुरू किया गया सी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के आगू तरुण चुग वालों सिर्फ सियासी लहा कट्टण लई अपनी आदत अनुसार अनाज वंड संबंधी गलत अंकड़े पेश किए गए हैं। उगे हाकी खिडारी पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर की बरसी उत्ते 25 मई को मोहाली के हाकी स्टेडियम विखे रस्मी श्रद्धांजलि समारोह करवा के यह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम उन्होंने समर्पित किया जाएगा। खेड विभाग के सरकारी बुलारे मुताबिक पंजाब के खेडा युवक सेवावान और एनआरआई मामलों बारे मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने मोहाली के अंतरराष्ट्रीय हाकी स्टेडियम का नाम पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम उत्ते रखने की मंजूरी दे दी है और उन्होंने वालों हाकी स्टेडियम पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर समर्पित किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां ने पटियाला के पुड्डा मैदान में 28 तों 30 मई तजवीजत दिन रात के धरने वापस लैण बारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अखबारों राही की गई अपील ठोस अंकड़ों के हवाले नाल रद्द कर दिता है। जथेबंदी के जनरल सकत्तर सुखदेव सिंह कोकरीकला ने अंकड़ों राही अपना पक्ष रखदे कहा कि महामारी के असरदार टाकरे लई सिर्फ वैक्सीन की ही कमी नहीं है बल्कि होर अहम प्रबंधों की बेहद रड़कवीं घाट है। यही वजह है कि महामारी कारण मौतां रोकण का नां नहीं लै रही। उन्होंने सरकारी दलीलों और अपीलों को दरकरार करदे पंजाब के वासियों को सदा दिता है कि वह पटियाला के धरने सफल बनाने लई हुण तों जुट जाण। किसान आगू राकेश टकैत ने वड्डा बयान दिता। उन्हें कहा कि केंद्रीय खेती कानून जदों तक वापस नहीं ले जाते किसानों का अंदोलन जारी रहेगा और जून 2024 यानी कि अगले 3 साल तक के अंदोलन की योजना बनाई गई है। टकैत 16 मई को मुख्यमंत्री के प्रोग्राम च किसानों से हुए लाठीचार्ज से मुकदमे दर्ज किए जाने वाले विरुद्ध किसानों के रोस प्रदर्शन शामिल हुए सन। उन्हें कहा कि हिसार के प्रशासन ने झूठे मुकदमे दर्ज किए तो उन्होंने वापस लैण के फैसले भी नहीं मनिया। पंजाब राज महिला कमिशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कहा कि मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका जवाब देने का भरोसा दिता है। गुलाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब ने फोन करके इस मामले में जवाब देने का भरोसा दिता है और जवाब मिलने मगरों अगले कदम बारे दसणगे।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜਬਰੀ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਨਿਮਿਤ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਤੋ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੈਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੈਤਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜ ਪਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਦੀਪ ਭੱਲਾ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਸਮਿਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜਨਹਿਤ ਸਮਿਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਦੇਵਾ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇੜੇ ਤਫਜ਼ਲਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 29 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਡਰੇਨ ਨੇੜੇ ਕੱਦ ਸੜੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਾਈਆ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਝਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ SC ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।